What are its type? As your question is, what is trade balance? What are its types? Okay? Yes, ma'am. So this is from your last lesson, means of transport and communication. In this lesson, yes, in this lesson, you are studying about the trade and tourism as the last topic. Okay. Trade and tourism are the last two topics. So no country can survive without international export. And the when the value of export exceeds the value of import, it is called favorable trade balance. Now, what have you written in the first part of the answer? Export and import are components of trade. The balance of trade of a country is the difference between its export and import. This is the first part of the answer. The balance of trade of a country is the difference between its export and import. That means, what is the total value of export of a country and what is the total value of import of a country? So the balance of trade of a country is the difference between its export and import. Have you written this? Yes, ma'am. Repeat this line. Repeat this yes, line. Yes, ma'am. So repeat, Karo. Ma'am, the what is trade balance? What are its type? The trade balance of the country is difference between export and imports. First, the type lo. Of the trade balance. एक मिनट रुको. जैसे मान लो export हुआ 100 करोड़ का और import हुआ 50 करोड़ का. ठीक है ना? तो ये इसी value को क्या कहते हैं? Trade balance कहते हैं. The balance of trade of a country is difference between its export and इम्पोर्ट. दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो उसी को क्या कहते हैं? ट्रेड बैलेंस कहते हैं. तो दोनों के वैल्यू को माइनस करेंगे तो निकलेगा, है ना? तो अब इसके टाइप्स लिखेंगे. द ट्रेड बैलेंस इज ऑफ टू टाइप्स. नंबर वन, फेवरेबल ट्रेड बैलेंस. नंबर टू, अनफेवरेबल ट्रेड बैलेंस. गो ऑन राइटिंग. Yes, ma'am. I will तो पहले का डिटेल लिखो. अब फेवरेबल ट्रेड बैलेंस के बारे में लिखेंगे. लिखो, when the value of import, you are writing about favorable trade balance. If the value of import exceeds the value of export, it is called पहले फेवरेबल लिख रहे हो तो when the value of import exceeds the value of exports, it is called favorable trade balance. अगर हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, इम्पोर्ट कम करते हैं, वैल्यू में देखें दोनों को कंपेयर करके, हमारे कंट्री से अगर एक्सपोर्ट ज्यादा वैल्यू का हो रहा है और इम्पोर्ट कम वैल्यू का हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? कि कंट्री ज्यादा अर्न कर रहा है, तो इसलिए इसको फेवरेबल ट्रेड बैलेंस कहेंगे. तो तुम ये आंसर लिख लिया पहले पॉइंट का कि व्हेन द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स, नो, व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, इट इज कॉल्ड फेवरेबल ट्रेड बैलेंस. व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, इट इज कॉल्ड फेवरेबल ट्रेड बैलेंस. अब दूसरा लिखो. मैम, यू मैम, व्हेन द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं, एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए कंट्री से, तब वो फेवरेबल माना जाएगा. समझ गए? व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, इट इज कॉल्ड फेवरेबल ट्रेड बैलेंस. अब दूसरा लिखो, अनफेवरेबल ट्रेड बैलेंस. अब इसमें ये लिखना कि इफ द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ऑफ अ कंट्री, इफ द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ऑफ अ कंट्री एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ इट्स एक्सपोर्ट, एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ इट्स एक्सपोर्ट, इट इज कॉल्ड
unfavorable trade balance. Repeat once more. If the value of imports of a country exceeds the value of its exports, it is termed as unfavorable trade balance. Yes, ma'am. ठीक है ना, ये बड़ा ही सिंपल चीज है. इसको इस तरह से समझो कि जैसे इंडिया है, अगर हम ज्यादा वैल्यू का दुनिया के देशों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इंपोर्ट अगर हम कम कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फेवरेबल ट्रेड बैलेंस. लेकिन अगर हम दूसरे देशों से इंपोर्ट ही ज्यादा कर रहे हैं अपने कंट्री में और अपने कंट्री का सामान एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, कम वैल्यू का सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये अनफेवरेबल ट्रेड बैलेंस हो गया. तो इंडिया में ज्यादातर ऐसा ही रहा है कि इंडिया हैज रिमेन्ड इन अनफेवरेबल ट्रेड बैलेंस फॉर मेनी ईयर्स. India has, unfortunately, India has remained in unfavorable trade balance for many years. ठीक है ना, बहुत सालों से हमारा ऐसे ही चला रहा है कि हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, इम्पोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा इम्पोर्ट का वैल्यू ज्यादा हो जाता है और एक्सपोर्ट का वैल्यू कम होता है. तो इसलिए हम अनफेवरेबल ट्रेड बैलेंस में रहते हैं. ठीक है, इसको चेंज किया जा सकता है धीरे धीरे, है ना, जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा हम इसे बदल सकते हैं, है ना. संगमित्रा, यू रीड द आंसर. व्हाट हैव यू रिटन? संकल्प, हु इज रेडी टू रीड? मैम आई. हाँ मैम आई. और शौर्य? Any one of you start reading. Don't waste time. What is a trade balance and what are its type? The trade balance of the country is a difference between export and import of the country. The types of a trade balance, first is that favorable trade balance and second is unfavorable trade balance. In favorable trade balance, when the value of export exceeds the value of import, it is called favorable trade balance. Secondly, we have taught unfavorable trade balance. If the value of imports of a country exceeds the value of its export, it is termed as unfavorable trade balance. India has unfortunately come in unfavorable trade balance in many years. For many years. India has remained in unfavorable trade balance for many years. Yeh bhi likh sakte ho, theek hai. ठीक है, तो हम लोग इम्पोर्ट करीब अभी 480 बिलियन डॉलर का करते हैं. इंडिया में इम्पोर्ट इतने का होता है, 480 बिलियन डॉलर्स का इम्पोर्ट करते हैं, और एक्सपोर्ट 300 समथिंग है, 350 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करते हैं. तो इंडिया हैज ट्रेड रिलेशंस विद ऑल मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक्स एंड द ज्योग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है ना, इंडिया के जो ट्रेड होता है मेनली वो यूएसए, जर्मनी, जापान और अरेबियन कंट्रीज में भी बहुत सारे हैं, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, कुवैत, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये सब जो कंट्रीज हैं इसके साथ इंडिया का बहुत ट्रेड होता है. द कमोडिटीज एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू अदर कंट्रीज इंक्लूड जेम्स एंड ज्वेलरी, केमिकल एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर एंड एलाइड प्रोडक्ट्स, है ना. नाउ यू मेक अ लिस्ट. Are you ready with your copy and pen? Write this. Make a list of. Yes, ma'am. Likho. Make a list of export and import items of India. Make a list of export and import items of India. Draw a line between and make two columns. In the first column, you write about export items from India. In the first column, you write export items from India. Ye likho. Gems
and jewelry, gems and jewelry, chemicals, or just related products. तो रिलेटेड प्रोडक्ट्स में आपको फार्मास्यूटिकल आ जाएंगे, फार्मास्यूटिकल्स, ड्रग्स, है ना, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एंड एलाइड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एंड एलाइड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स. Allied agricultural products means the processed foods. Suppose sugar. Sugar is also exported from India. Rice, wheat are exported. Many other types of cereal crops are also exported from India. Fruits and vegetables are also exported. So, bahut sare agricultural items, uske allied products hain. जिससे फूड प्रोसेसिंग करके जो हम तैयार कर लेते हैं वो भी हम एक्सपोर्ट करते हैं. यहाँ एक चीज और लिखो, रिफाइंड पेट्रोलियम. इंडिया से रिफाइंड पेट्रोलियम का भी एक्सपोर्ट होता है बहुत. और मिनरल्स का एक्सपोर्ट होता है इंडिया से. मिनरल्स, मिनरल्स में मेनली कोल, आयरन ओर, ये सब है. अब दूसरे लिस्ट में आ जाओ. इम्पोर्ट आइटम्स ऑफ इंडिया. इंडिया में क्या क्या इम्पोर्ट करते हैं, इम्पोर्ट आइटम्स. पहला लिखो पेट्रोलियम क्रूड. देखो यहाँ एक डिफरेंस समझना है कि इंडिया में क्रूड पेट्रोल जो है ना, वो क्रूड पेट्रोलियम मतलब कच्चा तेल जो सीधा हम माइनिंग करके निकालते हैं तेल, उसको क्रूड पेट्रोलियम कहते हैं. तो वो हम इंपोर्ट करते हैं और उसकी रिफाइनिंग करके हम एक्सपोर्ट भी करते हैं. तो रिफाइंड पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट करते हैं. रिफाइंड हो गया जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सारे चीज हम एक्सपोर्ट भी करते हैं. लेकिन कच्चा तेल तो 83% करीब हम पूरा का पूरा इम्पोर्ट करते हैं. हाँ, जितना जो क्रूड पेट्रोलियम है उसका लगभग 83% हम दुनिया के दूसरे देशों से मंगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं और उसकी रिफाइनिंग करते हैं ना. जो रिलायंस ये सब बड़े बड़े इंडस्ट्री हैं जो रिफाइनिंग करते हैं और उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं. तो एक्सपोर्ट आइटम में वो रिफाइंड पेट्रोलियम हो गया और क्रूड पेट्रोलियम हम इम्पोर्ट करते हैं. तो पहला आइटम लिखो पेट्रोलियम क्रूड एंड प्रोडक्ट्स. दूसरा लिखो जेम्स एंड ज्वेलरी. जेम्स एंड ज्वेलरी. तीसरा लिखिए केमिकल्स एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स. केमिकल्स एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स. फिर लिखिए बेस मेटल्स. बेस मेटल्स बहुत हम भूटान से भी इंपोर्ट करते हैं. बेस मेटल्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, नंबरिंग करके लिखते चलो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मशीनरी, एग्रीकल्चर एंड एलाइड प्रोडक्ट्स. देखो एग्रीकल्चर एंड एलाइड प्रोडक्ट्स में मेनली पाम ऑयल जैसे चीज आते हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है ना. अब यहाँ तुम देख रहे हो ना कि जेम्स एंड ज्वेलरी का इंडिया इंपोर्ट भी करता है और इंपोर्ट करने के बाद इसको, इसके ऊपर वर्क करके मतलब इसको ज्वेलरी में कन्वर्ट करके, इसकी कटिंग और ब्यूटिफिकेशन करके और मतलब मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद इसको फिर से एक्सपोर्ट करते हैं. तो जेम्स एंड ज्वेलरी में दोनों चीज है, इम्पोर्ट भी है और एक्सपोर्ट भी है. मतलब यहाँ वैल्यू एडिशन के बाद हम एक्सपोर्ट करते हैं. वही बात पेट्रोलियम में भी है कि कच्चा तेल हम इंपोर्ट करते हैं और रिफाइनिंग के बाद उसके प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी करते हैं. केमिकल में मेनली ऑर्गेनिक केमिकल्स हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है ना. बेस मेटल्स जैसे डोलोमाइट, कॉपर, ये तरह के बहुत सारे मेटल जो है ना हम लोग ये करते हैं, इंपोर्ट करते हैं.
इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मशीनरी तो इंपोर्ट करते ही हैं चाइना से, जापान से, यूएसए से करते हैं। एग्रीकल्चर में इंडिया बहुत सेल्फ डिपेंडेंट है ना, फिर भी कभी कभी कुछ पल्सेस या कुछ ये मेनली जो एडिबल ऑयल है, पाम ऑयल, वो सब इंपोर्ट करना पड़ जाता है। इंडोनेशिया से, मलेशिया से इंपोर्ट करते हैं पाम ऑयल। इंडिया हैज इमर्ज एज अ सॉफ्टवेयर जायंट एट द इंटरनेशनल लेवल एंड इट इज अर्निंग लार्ज फॉरेन एक्सचेंज थ्रू द एक्सपोर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आर यू लिसनिंग? सो इंडिया हैज बिकम अ बिग जायंट इन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। In all parts of the world, Indian brain is working, and we are exporting our information technology, and thus the country is earning a lot by exporting information technology. Are you listening? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो समझ गए ना कि इंडिया जैसे है ना दुनिया में राइस का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। इंडिया से राइस बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, वीट भी एक्सपोर्ट होता है, शुगर केन भी, और भी बहुत सारे सीरियल्स हैं, है ना, जैसे कि राजमा, ये तरह के बीन्स टाइप के सीरियल हैं, बाजरा, इस तरह के सीरियल भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, है ना। पल्सेस की कमी हो जाती है तो पल्सेस इम्पोर्ट भी कर लेते हैं। और तुम्हें बताएं कि एडिबल ऑयल का बहुत खपत है इंडिया में, है ना। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एडिबल ऑयल, बट एज द पॉपुलेशन इज वेरी हाई एंड वी यूज एडिबल ऑयल एज अ कुकिंग मीडियम, आवर कुकिंग स्टाइल इज सच दैट वी यूज लॉट ऑफ एडिबल ऑयल, एंड सो देर इज अ स्कार्सिटी ऑफ एडिबल ऑयल इन आवर कंट्री, सो वी हैव टू इम्पोर्ट मेनली पाम ऑयल, है ना। इसके ऊपर भी गवर्नमेंट वर्क कर रही है कि एडिबल ऑयल के इम्पोर्ट को कैसे कम किया जाए, इंडिया के अंदर ही हम पाम ऑयल का भी प्रोडक्शन करें, और इन सब के ऊपर भी काम हो रहा है। तो देख लिए ना कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ना एक बहुत ही इंटरडिपेंडेंट चीज है, कि उसको वही कई सारी चीज ऐसे हैं जिसको हम इंपोर्ट भी करते हैं और उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। अब देखो कैश्यू नट, इंडिया में बहुत कैश्यू नट होता है साउथ इंडिया में, तो कैश्यू नट का फूड प्रोसेसिंग करके हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो इतना ये है ना पॉपुलर है वर्ल्ड में कि दुनिया के दूसरे देशों से हम कैश्यू नट इंपोर्ट भी कर लेते हैं, इंपोर्ट करके फिर उसके ऊपर प्रोसेसिंग करके और पैकेजिंग करके फिर एक्सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे ना बहुत सारे चीजों में है, जेम्स एंड ज्वेलरी में है, आपको इसमें ऑर्गेनिक केमिकल्स में है, और भी केमिकल आइटम में है, ऐसा बहुत सारे आइटम्स में। तो अब आ जाइए अगले टॉपिक पे, टूरिज्म एज अ ट्रेड। टूरिज्म भी एक ट्रेड है, एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है कंट्री के लिए टूरिज्म, है ना। टूरिज्म से करीब 17 लाख करोड़ का रेवेन्यू आता है, ठीक है। और इसमें ना बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड भी हैं। तो ये देखें यहाँ पे मोर देन 15 मिलियन पीपल आर डायरेक्टली एंगेज्ड इन टूरिज्म इंडस्ट्री। अब तुम्हारे बुक में अगर कोई न्यू डेटा है तो जरूर बताना, सेम है? नो मैम, 15 मिलियन है। कितना है? मैम नहीं है, सेम है। 15 मिलियन सेम है, 15 मिलियन है, सेम है। अच्छा अगर 16 है तो इसे 16 बना लो। नो मैम, 15 ही है। अच्छा मैम, सेम है, सेम है। अच्छा तो ये भी थोड़ा पुराना ही डेटा है, फिर भी चलो जो एनसीईआरटी में बुक में है ना वो हम लोग फॉलो कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। मोर देन 15 मिलियन पीपल आर डायरेक्टली एंगेज्ड इन द टूरिज्म इंडस्ट्री। टूरिज्म आल्सो प्रमोट्स नेशनल इंटीग्रेशन, प्रोवाइड सपोर्ट टू लोकल हैंडीक्राफ्ट, कल्चरल परसूट्स। देखो टूरिज्म डेवलप होने से क्या क्या फायदे हैं। टूरिज्म से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, ठीक है। टूरिज्म से नेशनल इंटीग्रेशन बढ़ती है, मतलब राष्ट्रीय एकता, पूरे देश में एकता का भाव आता है ना, क्योंकि एक जगह के लोग दूसरे जगह पे, नॉर्थ इंडिया के साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया के ईस्ट इंडिया में, कहीं भी लोग टूरिज्म के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, तो इससे क्या बढ़ता है, नेशनल इंटीग्रेशन, द फीलिंग ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन
or unity is promoted through tourism. Provide support to local handicrafts. अब उस जिस जगह में हम टूरिज्म डेवलप किए हैं वहाँ के लोकल हैंडीक्राफ्ट्स को बहुत बढ़ावा मिलता है. जैसे तुम हिल एरियाज में जाओगे ना, जैसे दार्जिलिंग ये सब में, तो वहाँ पे शॉल, स्वेटर, मफलर, इस तरह के बहुत सारे वुलन आइटम्स का बहुत है मैन्युफैक्चरिंग होता है और लोग खरीदते हैं. तो जो भी लोकल हैंडीक्राफ्ट्स हैं, तुम कश्मीर चले जाओ तो वहाँ पे शॉल, पश्मीना शॉल, तरह तरह के कारपेट्स, रग्स, ये सब बहुत बनाए जाते हैं. तो ये वहाँ के लोकल हैंडीक्राफ्ट्स को बहुत बढ़ावा मिलता है. तुम कोई सी कोस्ट के पास जाओ अगर, जैसे रामेश्वरम है या आपको चेन्नई है, कोई भी कोस्टल एरिया में जाइए तो वहाँ पर जो सी शेल्स होते हैं ना, तरह तरह के शंख और शेल्स, ये सब उसके ऊपर बेस्ड जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो बहुत होती है वहाँ का, वो लोकल हैंडीक्राफ्ट हो गया. तो जैसा जगह है वहाँ के लोकल हैंडीक्राफ्ट्स को बहुत ही प्रमोशन मिलता है, उसका बहुत डेवलपमेंट होता है, लोग खरीदते हैं. और कल्चरल परसूट्स, मतलब हमारी कल्चरल इंटीग्रेशन भी होती है. एक कल्चर के लोग, जैसे साउदर्न इंडिया के लोग नॉर्दर्न इंडिया के साथ मिक्स करते हैं, नॉर्थ इंडिया के लोग साउथ से, ईस्ट से, वेस्ट से, सबसे मिक्स करते हैं. तो ये क्या है, एक जगह का कल्चर दूसरी जगह से मिक्स करता है. वी हैव अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू एक्सचेंज आवर कल्चरल परस्यूट्स. इट ऑल्सो हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड अबाउट आवर कल्चर एंड हेरिटेज. देर इज नॉट ओनली टूरिज्म विद इन द कंट्री, देर इज फॉरेन टूरिज्म ऑल्सो. एंड इफ देर इज फॉरेन टूरिज्म, दैट मीन्स वी आर डेवलपिंग द इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो, है ना. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपस में बहुत समझदारी बढ़ती है, इसको कहते हैं इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग. हमारा कल्चर और हेरिटेज ये सब के बारे में दूसरे लोग भी जानते हैं, है ना. जैसे मान लो यूरोपियन पीपल आए, राजस्थान घूमने के लिए गए, तो वहाँ के कल्चरल परसूट्स को जाने और ये पूरी दुनिया में इसकी जानकारी हो जाती है इस तरह से. तो कल्चरल एक्सचेंज होता है. फॉरेन टूरिस्ट विजिट इंडिया फॉर हेरिटेज टूरिज्म, है ना, इको टूरिज्म. हेरिटेज मतलब यहाँ का जो पहले का जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, ये सब जो है वो सब देखने के लिए लोग आते हैं. और फिर इको टूरिज्म, जैसे यहाँ के एनवायरनमेंट, जंगल, ये सब देखने के लिए आते हैं. सी कोस्ट है, माउंटेन है, हिमालयन माउंटेन फॉरेस्ट, ये सब देखने के लिए आते हैं. एडवेंचर टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म का मतलब होता है जैसे माउंटेनियरिंग, राफ्टिंग, है ना, रिवर राफ्टिंग देखे हो ना, स्नो एरिया में स्कीइंग. तो बहुत सारे ऐसे जो स्पोर्ट्स हैं जो हम करते हैं उसको हम एडवेंचर टूरिज्म करते हैं. तो एडवेंचर टूरिज्म के लिए ना दुनिया के दूसरे देशों से लोग इंडिया में आते हैं. कल्चरल टूरिज्म, चूंकि इंडिया का कल्चर बहुत ही रिच है, यहाँ बहुत सारे डायनेस्टीज का रूल रहा, हर डायरेक्शन में अलग अलग तरह के कल्चर दिखाई देते हैं, तो उस कल्चर को जानने के लिए भी लोग आते हैं, जिसको हम कल्चरल टूरिज्म कहते हैं. मेडिकल टूरिज्म, ट्रीटमेंट के लिए अगर हम कहीं जाते हैं तो उसको हम मेडिकल टूरिज्म कहते हैं, ठीक है. जैसे इंडिया के लोग अगर यूएसए चले गए ट्रीटमेंट के लिए तो वो मेडिकल टूरिज्म कहलाया. दूसरे जगह के लोग, जैसे आसपास के कंट्री के बहुत सारे लोग, जैसे नेपाल है, भूटान है, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, बहुत सारे अरेबियन कंट्रीज हैं, जो लोग इंडिया में आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो वो मेडिकल टूरिज्म कहलाएगा. अब बिजनेस पर्पस से अगर हम कहीं जाते हैं तो वो हमारा क्या टूरिज्म हो गया, बिजनेस टूरिज्म हो. इस तरह से टूरिज्म को हम कई पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसको क्या कहते हैं, हेरिटेज टूरिज्म. अगर तुमको क्वेश्चन आए कि व्हाट आर द वैरायटीज ऑफ टूरिज्म, यू विल राइट दैट इंडिया इज वेरी वेल नोन फॉर हेरिटेज टूरिज्म, इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म एंड बिजनेस टूरिज्म. लिख लोगे, एक क्वेश्चन लिख लो, what are the varieties of tourism, ye answer khud se likh lena. What are the varieties of tourism, variety of tourism. ha dekho himachal pradesh mein, sikkim mein, ye adventure tourism ye sab bahut hai, hai na. jaise ki wahan ke jo rivers hai na, bahut speed mein chalte hain pahadon se utar ke, to usme na rafting karte hain, river rafting. बोट्स होते हैं, एयर बैलून की तरह भरे हुए बोट्स होते हैं और प्लास्टिक के, और उसी में राफ्टिंग किया जाता है, रिवर राफ्टिंग. और माउंटेनियरिंग तो बहुत ही जगह है,
किसी भी हिली एरिया में चले जाओ, सब जगह माउंटेनियरिंग है, चाहे वो दार्जिलिंग हो या सिक्किम का कोई प्लेस हो या फिर हिमाचल प्रदेश के कोई हिली एरियाज हो, कोई भी प्लेस में चले जाओ, सब जगह माउंटेनियरिंग है ना। कंचनजंगा जो है सिक्किम में, वहां पे लोग माउंटेनियरिंग करते हैं, नंदा देवी में करते हैं, नंदा देवी उत्तरांचल में है। तो ये सब के लिए इंडिया बहुत जाना जाता है, एडवेंचर टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म। देखो इंडिया का मेडिकल भी बहुत एडवांस है, तुम चेन्नई में, वेलोर में, मुंबई, दिल्ली, ये सब बहुत आगे है मेडिकल टूरिज्म के लिए, है ना। There is a vast potential of development of tourism in all parts of country. मान लो तुमको इसी पर एक question आ जाए कि how can you say that there is a vast potential of development of tourism in all parts of the country? तो तुम क्या क्या लिखोगे कि India is a very big country, है ना, and India has variety of natural, physical and climatic opportunities. For example, India has beautiful Himalayan mountains also, long sea coast also, vast plateau region also, valleys also are there. So India has variety of landscape, many beautiful rivers and many national wildlife sanctuaries, national parks, etc. है ना, तो इंडिया में ये बहुत सारे चीजें हैं, फॉरेस्ट हैं, हर चीज है, जिसके वजह से हमारा टूरिज्म का बहुत बड़ा पोटेंशियल है, मतलब अगर फ्यूचर में हम इसे बहुत डेवलप कर सकते हैं, है ना। देयर इज अ वास्ट पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, एक्सप्लेन हाउ। तो इसमें नेचुरल ब्यूटी के बारे में बता दो कि इंडिया में हिमालयन माउंटेन भी है तो बहुत लंबा सी कोस्ट भी है, कितना लेंथ है सी कोस्ट का बताओ फिर, What is the length of Indian coastline? नाइन्थ में पढ़े थे ना, इतनी जल्दी भूल गए। 7516.6 kilometers. इतना लंबा कोस्ट लाइन है, तो कोस्टल एरिया जो सी बीच प्रोवाइड करता है वो तो अपने आप में ही एक टूरिस्ट स्पॉट है। तो इंडिया में तो बहुत लंबा टूरिस्ट स्पॉट है अगर सी बीच को देखें तो, है ना। फिर आपको फॉरेस्ट भी है, ब्यूटीफुल रिवर्स का तो नेटवर्क है यहाँ पे इंडिया में, और हिमालयन बेल्ट तो है ही, और उसके अलावा यहाँ का हेरिटेज टूरिज्म है, जब इतने सारे मॉन्यूमेंट्स है ना, जैसे एक सिर्फ दिल्ली और आगरा तक ही देखो ना, जितना भी है, आगरा फोर्ट, रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, ताजमहल, इतने ही, यही सब जो है ना, फतेहपुर सिकरी और क्या है बताओ, हाँ आगरा फोर्ट हो ही गया, ताजमहल, ये सब तो इसी को तो देखने बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं हर साल। तो फिर साउथ इंडिया में चले जाओ तो बहुत ब्यूटीफुल टेम्पल्स और हिस्टोरिकल हेरिटेज बहुत है ना, तो वहाँ भी बहुत सारा स्कोप है। इंडिया में रिलीजन भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी देता है, जैसे बुद्धिज्म वाले ये को टेम्पल्स ये सब को देखने के लिए और प्लेस को देखने के लिए, बुद्धा के प्लेस को देखने के लिए फॉरेन टूरिस्ट आते हैं इंडिया में, बिहार में, बिहार उसमें काफी आगे हैं, है ना, गया, बोध गया जो है वो सब, राजगीर, ये सारे। तो देयर इज अ वास्ट पोटेंशियल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू प्रमोट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूरिज्म फॉर दिस अपकमिंग इंडस्ट्री। तो क्या क्या एफर्ट करना पड़ता है, बहुत एफर्ट लगाना है, तब इंडिया बहुत आगे निकलेगा टूरिज्म में, क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो बहुत है, पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन उस हिसाब से हमने डेवलप नहीं किया है। डेवलपमेंट में बहुत सारी बाधाएं हैं कि हम लोगों ने बहुत अच्छे होटल इंडस्ट्री को डेवलप नहीं किया है, ट्रांसपोर्टेशन को बहुत डेवलप नहीं किया है, तो एकदम रिमोट एरियाज में भी ट्रांसपोर्टेशन रहेगा तभी तो टूरिज्म डेवलप होगा, है ना। फिर सेफ्टी सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है, क्योंकि कोई जब सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं रहेगा तो कोई घूमना नहीं चाहेगा, है ना, तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ये सब होना चाहिए देश के अंदर, तो सबसे ज्यादा टूरिज्म डेवलप करने का बहुत स्कोप है यहाँ पे, है ना। तो ये पढ़ो तो एक बार, बॉक्स में क्या लिखा हुआ है जल्दी से, अब टाइम ओवर हो रहा है, टूरिज्म पे एक दो क्वेश्चन कर लेना। मैम ऑन द मैप ऑफ
मैम ऑन द मैप ऑफ इंडिया सो इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेस ऑफ योर स्टेट्स यूटी एंड इट्स कनेक्टिविटी विद अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री बाय रेलवे रोडवेज एयरवेज डिस्कस इन द क्लास व्हाट टाइप ऑफ टूरिज्म मे बी डेवलप्ड इन योर स्टेट यूटी एंड व्हाई Which areas in your state UT you find more attractive for development of tourism and why? How may tourism may be helpful for the economic development of a region adopting sustainable development approach? देखो ये last वाला question है ना ये तो बड़ा अच्छा question है. How tourism may be helpful for the economic development of a region? कहीं जहाँ टूरिज्म डेवलप होगा तो वहाँ के बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलता है. होटल इंडस्ट्री स्टार्ट हो जाती है, ट्रांसपोर्टेशन में बहुत लोगों को काम मिल जाता है, रोडवेज रेलवेज में बहुत लोगों को हैंडीक्राफ्ट में काम मिल जाता है. तो इस तरह से बहुत एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होती है. इसलिए टूरिज्म ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत हेल्पफुल है, कंट्री का अर्निंग बढ़ जाता है. ठीक है, तो तुम टूरिज्म से कोई क्वेश्चन है देखो तो लेसन में यहाँ पे. टूरिज्म पे कुछ क्वेश्चन बना लेना, अब टाइम ओवर हो रहा है. ओके मैम, थैंक यू मैम. हाँ ओके, और सुनो सुनो तुम लोग कि एक क्लास और अगर हम लोग इसके ऊपर एक क्लास और इस लेसन पे डिस्कस कर सकते हैं. मैम एक क्वेश्चन है. हाँ बोलो. व्हाई इज टूरिज्म कंसीडर्ड एज ट्रेड एंड इंडस्ट्री इन इंडिया? हाँ, ट्रेड एंड इंडस्ट्री इन इंडिया है ना, तो इसमें ये सारी बातें लिखो जो अभी बताए हैं कि टूरिज्म के वजह से हमारे कंट्री में बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगा. अब ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ मिलेगा, तो होटल इंडस्ट्री में मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन में मिलेगा, इन द सेल ऑफ हैंडीक्राफ्ट इसमें बहुत लोगों को ये मिलेगा अपॉर्चुनिटी. और अगर फॉरेन के लोग आते हैं तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ेगा. तो एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इसका बहुत बड़ा रोल है. यही सब बातों का डिटेल तुम लिखोगे, ठीक है ना. तो ये ट्रेड भी है और इंडस्ट्री भी, क्योंकि ट्रेड और इंडस्ट्री दोनों का हम इनकम जनरेट करते हैं जो कि हम टूरिज्म से कर सकते हैं. और बोलो मैम, गिव रीजन फॉर विच फॉरेन टूरिस्ट विजिट इन इंडिया. फिर से एक क्वेश्चन बोलो तो. गिव रीजन फॉर विच फॉरेन टूरिस्ट विजिट इन इंडिया. हाँ, मतलब कौन से फॉरेन टूरिस्ट इंडिया आ सकते हैं? हाँ, तो फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में किस रीजन से आ सकते हैं, किस कारण से आ सकते हैं? तो इंडिया के आते हैं. देखो, इंडिया के नेचुरल साइट को देखने आ सकते हैं, नेचुरल हेरिटेज को, कल्चरल टूरिज्म, बिजनेस टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, इको टूरिज्म, हेरिटेज टूरिज्म, ये सारी चीजों के लिए फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में आते हैं, ठीक है ना. यस मैम. तो अब हम लोग ना इस लेसन को कंप्लीट करने के साथ हम लोग फिर इंडस्ट्री में जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, ठीक है, क्योंकि कुछ क्लास में ना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का क्वेश्चन बाकी रह गया था. मैम स्टार्टिंग से पढ़ा दीजिए. नहीं स्टार्टिंग से नहीं, वहां से पढ़ाएंगे, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से पढ़ाएंगे, ठीक है ना. वहीं से लोगों का बाकी था कुछ सेक्शन में. ओके अच्छा ये बताओ, एक क्लास इस पे और कर ले इसी लेसन का, एक क्लास और थोड़ा और डिस्कस कर लेंगे. हाँ, उसके बाद हम इंडस्ट्री पे, ठीक है. इसमें थोड़ा और क्वेश्चन आंसर, थोड़े और मैप वर्क ये सब कर लें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे. और अ डे आफ्टर टुमारो है ना, मतलब थर्सडे उस दिन तो ये है. हाँ थर्सडे से, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे तुम लोग का हम वो क्लास ले लेंगे इंडस्ट्री. हाँ टाइम इज ओवर. ओके नोट्स तैयार करते जाना. हाँ सब कुछ ज्योग्राफी कॉपी में लिखते जाना.